टॉप 5 बेस्ट गेमिंग डिवाइस अंडर 20,000 जब स्टार्टिंग प्राइस 10,000 होने वाले हैं। और दोस्तों इस लिस्ट में जो 5 डिवाइस है वो इंडिया का सबसे बेस्ट गेमिंग डिवाइस है। तो आपको अगर चाहिए 10 to 20,000 के अंदर कोई भी प्राइस पॉइंट पे एक गेमिंग डिवाइस, तो ये वीडियो काफी फायदेमंद होने वाले हैं आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो में बने रहना और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसा वीडियो और भी देखने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट करके एक एक करके सभी डिवाइस के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो दोस्तों ये डिवाइस इस लिस्ट का सबसे सस्ता गेमिंग डिवाइस होने वाला है। जब आपको ये डिवाइस ओनली 10,000 के अंदर मिल जाएगा, पर फीचर काफी तगड़े तगड़े मिलने वाले। ये एक 5G डिवाइस है और इस डिवाइस पे एक काफी पावरफुल सा चिपसेट दिया गया है, जिसकी मदद से हाई लेवल का गेम भी खेल सकते। तो दोस्तों ये डिवाइस है पोको की तरफ से, पोको M6 Pro 5G। तो दोस्तों अभी करंट टाइम पे इंडिया के अंडर 10,000 में सबसे अच्छा 5G मोबाइल यही है फीचर वाइज। तो एक करके इसकी सभी फीचर को जान लेते हैं। तो पहले बात करते हैं लुक एंड डिजाइन की। तो इस प्राइस पॉइंट पे आपको ग्लास बैक मिल जाता है, जो इस मोबाइल को एकदम प्रीमियम लेवल का बना देता है। तो लुक वाइज ये डिवाइस काफी अच्छा है। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। जैसे ये एक 5G गेमिंग डिवाइस है, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला स्नैपड्रैगन 4Gen 2 5G चिपसेट, जो 4nm पे बेस है। तो इस प्राइस पॉइंट पे ये प्रोसेसर वन ऑफ द बेस्ट है। इसकी जो एंथोस स्कोर वो 4 लाख से भी ज्यादा है। तो इस मोबाइल पे आप फ्री फायर पबजी हाई लेवल पे खेल सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, कोई भी लैगिंग का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा और कोई भी टाइप की गेम प्ले आप इस मोबाइल पे कर सकते हो। तो आप अगर 10,000 के अंदर एक गेमिंग डिवाइस भी लेना चाहते हो तो ये मोबाइल काफी अच्छा ऑप्शन होने वाला है। और दोस्तों बात करें रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला बेस ब्रांड पे 4GB प्लस 128GB रोम। वहीं पे आपको दो ऑप्शन और भी मिलेगा, 6GB 256GB और 8GB 256GB। वहीं पे बात करें डिस्प्ले की, तो पोको की सबसे बड़ी डिस्प्ले आपको इस डिवाइस में ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.79 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले, जिसकी रिफ्रेश रेट 90Hz है। तो गेम प्ले के लिए 90Hz काफी फायदेमंद होने वाले हैं। और दोस्तों प्राइस के हिसाब से यहाँ पे कैमरा भी आपको काफी तगड़े मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा आपको 50MP का मिलने वाला है, जिससे आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ 2MP का आपको एक डेप्थ कैमरा भी मिल जाएगा। बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 8MP का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। तो कैमरा की क्वालिटी काफी अच्छा है। और दोस्तों बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 5000mAh का लार्ज बैटरी विद 18W फास्ट चार्जिंग। तो दोस्तों ये तो गाइस इसकी सभी फीचर। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो इसकी जो बेस ब्रांड 4GB प्लस 128GB है, उसके ओरिजिनल प्राइस 11,000 है, पर मैक्सिमम टाइम आपको 1,000 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिलता है और कोई भी सेल पे आपको उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो आप ये देख सकते हो डिस्काउंट के बाद इसकी जो प्राइस 9,999 हो चुका है। तो अंडर 10,000 में ये मोबाइल काफी अच्छा है। उसके साथ साथ दो और ब्रांड है, 6GB 128GB जिसकी प्राइस 12,000 है और 8GB plus 256GB जिसकी प्राइस आपको 13,000। तो आप प्रॉपर गेमिंग के लिए आप अगर लेना चाहते हो तो 6GB 128GB आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकता है। तो प्राइस थोड़ा सा ज्यादा रह गया। और वैसे भी आप नॉर्मल यूज के लिए 5G डिवाइस लेना चाहते हो तो 4GB 128GB आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। और दोस्तों इस लिस्ट की जो नेक्स्ट डिवाइस है वो मेरी पर्सनल फेवरेट है। तो आपको अगर चाहिए 15,000 के आसपास गेमिंग और ऑलराउंडर डिवाइस, तो आप इसके साथ जा सकते हो। यहाँ पे आपको लुक काफी तगड़े मिल जाएगा, गेमिंग भी काफी अच्छी होगा और जो कैमरा है वो भी काफी तगड़ी है। तो दोस्तों ये डिवाइस आता है रेडमी की तरफ से, रेडमी नोट 12 5G। जैसे ही पता है इंडिया पे नोट सीरीज काफी पॉपुलर है, उसी का ये डिवाइस काफी अच्छे फीचर आपको प्रोवाइड करते हैं। जी हाँ, आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा 6.67 इंच का फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले। हाँ दोस्तों इस प्राइस पॉइंट पे आपको AMOLED डिस्प्ले मिलता है, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिलेगा 120Hz के रिफ्रेश रेट। तो कंटेंट कंज्यूम के लिए ये डिवाइस काफी तगड़ी होने वाले हैं। वहीं पे आपको मिलने वाले 1200 nit पीक ब्राइटनेस, तो आउटडोर पे भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और 120Hz रिफ्रेश रेट है, तो गेमिंग में ये आपको काफी फायदे देने वाला है। और दोस्तों इसकी बात मेरा पर्सनल जो फेवरेट चीज है, इसकी परफॉर्मेंस। यहाँ पे आपको मिलने वाला स्नैपड्रैगन 4Gen 1 चिपसेट, जो आपकी 6nm पे बेस है और ये एक 5G चिपसेट है। और दोस्तों इसकी जो एंथोस स्कोर है ना, वो 6 लाख के आसपास है। तो इस प्राइस पॉइंट में इतना पावरफुल डिवाइस मुझे नहीं लगता अदर कोई भी डिवाइस में है। तो इस मोबाइल पे आप कोई भी टाइप की गेम को एकदम हाई लेवल पे खेल सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको AMOLED डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट भी मिल जाते हैं, तो प्रॉपर गेमिंग डिवाइस भी आप इसे कह सकते हो। तो आप अगर ढूंढ रहे अंडर 15,000 में 5G एक गेमिंग डिवाइस, तो भी आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। और दोस्तों बात करें रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट मिलेगा, जब बेस वेरिएंट 4GB 128GB और दूसरी आपको 8GB
प्लस 256 GB वेरिएंट मिल जाएगा। और दोस्तों उसके बाद इसकी जो कैमरा है ना, कैमरा भी काफी तगड़ी है। तो कैमरे के लिए भी आप अगर 15,000 में मोबाइल लेना चाहते हो ना तो भी इसे ले सकते हो। या आपको रियर पे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जब मेन कैमरा 48 MP का होने वाला है, उसके साथ साथ आपको 8 MP का एक वाइड एंगल कैमरा मिल जाएगा और 2 MP का एक मैक्रो कैमरा मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप मेन कैमरा से 1080p 30 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हो। और दोस्तों अगर बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 13 MP का फ्रंट कैमरा, जिससे भी आप 1080p 30 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हो। और दोस्तों इस मोबाइल पे आपको एक अच्छी चीज मिल जाता है, IP53 का रेटिंग मिल जाता है, जिसकी मदद से ये डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ है। और दोस्तों बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 5000mAh का बैटरी, उसके साथ साथ 33W के फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करेगा इस डिवाइस पे। तो दोस्तों बात करें इसकी प्राइस, तो इसकी जो प्राइस वो 15,000 के आसपास फ्लक्चुएट होता है। अभी इसकी 15,500 है, पर यहाँ पे आपको 2,000 रुपए का बैंक डिस्काउंट मिल रहा है। और डिस्काउंट के बाद इसकी जो प्राइस वो 13,500 हो चुका है। इस प्राइस पॉइंट में मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल होने वाला है। इस प्राइस पॉइंट पे आप अगर लेना चाहते हो तो जरूर ले सकते। तो दोस्तों नेक्स्ट जो डिवाइस है वो प्रॉपर एक गेमिंग डिवाइस है। तो 18,000 में आप अगर एक प्रॉपर गेमिंग डिवाइस लेना चाहते हो तो इसके साथ जा सकते हो। ये है पोको की पोको X5 Pro 5G। तो इस प्राइस पॉइंट में वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग डिवाइस है। तो एक एक करके इसके भी सभी फीचर को जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 778G 5G प्रोसेसर, जिसकी एंथ्रोड स्कोर 5 लाख से भी ज्यादा है। तो इस प्राइस पॉइंट पे 5 लाख से भी ज्यादा एंथ्रोड स्कोर वाला एक डिवाइस मतलब काफी अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी टाइप की गेम खेल सकते हो, फ्री फायर, BGMI, कोई भी गेम खेल सकते हो, आपको अल्ट्रा सेटिंग पे चल जाएगा, कोई भी लैगिंग का इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसे छोड़ के भी यहाँ पे गेमिंग के रिलेटेड काफी अच्छे अच्छे फीचर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे आपको मिलने वाला है 12-layer ग्राफिक कूलिंग फीचर, जो आपकी डिवाइस को काफी हद तक कूल कर देगा जब आप हैवी गेम खेलोगे। तो ये भी काफी अच्छा फीचर है गेमर के लिए। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको डॉल्बी विजन एटम्स के फीचर भी दिया गया है, जिसकी मदद से आपकी जो डिस्प्ले की क्वालिटी है, जो ऑडियो क्वालिटी है, वो काफी अच्छा हो जाता है, एकदम नेक्स्ट लेवल का। तो गेमिंग टाइम पे एक आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। और दोस्तों उसे छोड़कर यहाँ पे आपको मिलने वाला 6GB का रैम, 128GB का रोम बेस वेरिएंट का, दूसरे ऑप्शन पे आपको 8GB प्लस 256GB वेरिएंट भी मिल जाएगा। और दोस्तों इसकी बात सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है गेमिंग के लिए वो है डिस्प्ले। यहाँ पे आपको काफी अच्छा डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.67 इंच का फुल HD प्लस Xfinity AMOLED डिस्प्ले, जो आपके गेम प्ले को और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। यहाँ पे आपको काफी अच्छा ग्राफिक देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 120Hz की रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगा। तो इस प्राइस पॉइंट 120Hz काफी कम मोबाइल प्रोवाइड करता है, पर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जिसकी मदद से आपकी जो गेम प्ले है वो और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिलने वाला 900 nit पिक ब्राइटनेस, तो आउटडोर गेम प्ले पे कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा। इसके बाद इसकी जो कैमरा मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा, एक गेमिंग डिवाइस है पर इसकी जो कैमरा क्वालिटी ना वो काफी तगड़ी है। इस प्राइस पॉइंट पे काफी अच्छी कैमरा क्वालिटी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। तो रियर पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 108 MP का होगा, जिसे आप 4K 30 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ एक 8 MP का वाइड एंगल कैमरा दिया गया है, उसके साथ साथ 2 MP का एक डेस्क कैमरा भी मिल जाता है। बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16 MP का फ्रंट कैमरा भी मिल जाएगा। तो कैमरा काफी तगड़ी है। और दोस्तों बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 5000mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा। तो दोस्तों ये तो होगा इसकी सभी फीचर। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो करंट टाइम पे इसकी जो प्राइस 18,000 है 6GB प्लस 128GB वेरिएंट का, पर यहाँ पे 1000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, तो अभी इसका प्राइस 17,000 है, ठीक है। तो 17,000 में ये मोबाइल काफी अच्छा है, ठीक है। तो आप गेमिंग के लिए आंख बंद करके इसे ले सकते। दोस्तों नेक्स्ट जो डिवाइस है वो एक प्रीमियम सा गेमिंग डिवाइस है। तो आपको अगर पसंद है प्रीमियम डिवाइस और आप अगर गेम भी खेलना चाहते हो तो आप इसके साथ जरूर जा सकते हो। यहाँ पे आपको कर्व डिस्प्ले भी मिल जाएगा। तो दोस्तों ये डिवाइस है लावा की तरफ से, लावा अग्नि 2। तो एक एक करके इसके भी सभी फीचर को जान लेते हैं। ये डिवाइस है, तो दोस्तों फीचर में सबसे पहले आपको मिलने वाला है 6.78 इंचेस का फुल HD प्लस AMOLED कर्व डिस्प्ले, जहाँ पे आपको मिलेगा 120Hz का रिफ्रेश रेट। तो डिस्प्ले काफी अच्छा है। और दोस्तों रेजुलेशन की बात करें तो 2400x1080 पिक्सल रेजुलेशन आपको मिलने वाला है। और दोस्तों बात करें कैमरे की, तो रियर पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 MP का होने वाला है, उसके साथ साथ 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा,
और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा आपको मिल जाएगा। और वहीं पे मेन कैमरा से आप 4K तक वीडियो शूट कर सकते हो, जो काफी अच्छी बात है। और बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलने वाले मीडियाटेक डायमेंसिटी 7050 चिपसेट, जो 6 NM पे बेस है, जिसके एंटूटू स्कोर 5 लेख से भी ज्यादा है। तो परफॉर्मेंस वाइज भी ये डिवाइस काफी अच्छे होने वाले। उसके साथ जैसे कि ये एक 5G डिवाइस है, तो यहाँ पे आपको मिलने वाले 13 5G बैंड, जो इंडिया की सभी टाइप की बैंड को सपोर्ट करता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 16GB रैम मिलेगा, जहाँ पे 8GB प्लस 8GB वर्चुअल रैम होगा। और उसके साथ साथ 256GB का रोम मिलेगा। और दोस्तों इस मोबाइल पे आपको मिलने वाला है 5000mAh का बैटरी विथ 66W की फास्ट चार्जिंग की साथ, जो आपके मोबाइल के 50% चार्ज सिर्फ 16 मिनट पे कर देगा। और दोस्तों इस मोबाइल पे सबसे बढ़िया बात, आपको एकदम क्लीन ओएस मिलने वाला है, जहाँ पे आपको कोई भी ब्लूटूथ और एड्स देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों और फीचर की बात करें तो बैक की जो डिजाइन वो आपको ग्लास का मिलेगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिल जाएगा। और दोस्तों इस मोबाइल की आपको 3 कलर वेरिएंट मिलेगा, जो काफी प्यारा कलर है। और दोस्तों बात करें इसकी प्राइस की, तो इसकी जो प्राइस वो 19,999 नॉर्मल टाइम पे रहता है, पर कोई भी अमेजोन पे सेल आता है तो इसकी जो प्राइस वो घट के 18,000 तक आता है। तो आप अगर इसे सेल पे खरीदो तो ये सबसे अच्छा मोबाइल आपकी होने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट जो डिवाइस है वो अंडर 20,000 में इंडिया का सबसे बेस्ट डिवाइस है। ये इनफिनिक्स के इनफिनिक्स GT 10 Pro, जो आपको लुक वाइज और परफॉर्मेंस वाइज भी एकदम तगड़ी मिल जाएगा। और दोस्तों ये डिवाइस सभी गेमर का फास्ट चॉइस है, तो इसकी भी सभी फीचर को एक एक करके जान लेते हैं। तो इस मोबाइल पे आपको मिलने वाला है ट्रांसपेरेंट बैक विथ LED लाइट। हाँ दोस्तों एकदम नथिंग फोन जैसा ही ट्रांसपेरेंट और LED लाइट भी मिल जाएगा, जो काफी यूनिक बना देता है इस मोबाइल को। तो लुक वाइज ये मोबाइल सबसे बेहतर है। और बात करें अदर फीचर की, तो जैसे कि ये गेमिंग मोबाइल है, तो परफॉर्मेंस के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है मीडियाटेक डायमेंसिटी 8050 चिपसेट, जिसकी एंटूटू स्कोर 7 लाख से भी ज्यादा है। तो परफॉर्मेंस में ये डिवाइस काफी अच्छा होने वाला है। इस मोबाइल पे आप किसी भी टाइप की गेम को स्मूथली खेल सकते हो। और दोस्तों इस मोबाइल की सबसे अच्छी बात, आपको यहाँ पे 90 FPS इनेबल मिलेगा। हाँ दोस्तों आप 90 FPS पे गेम खेल सकते हो इस मोबाइल पे। परफॉर्मेंस वाइज ये डिवाइस काफी तगड़े होने वाले। और दोस्तों इसे छोड़कर भी काफी अच्छे अच्छे गेमिंग फीचर मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको 5000mAh का बैटरी मिलता है, पर यहाँ पे आपको डुअल सेल मिल जाएगा। और दोस्तों बाईपास चार्जिंग की फीचर भी इस मोबाइल पे सपोर्ट करता है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात मुझे लगे, यहाँ पे आपको सेपरेट वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम भी मिल जाएगा, तो मोबाइल अगर हीट भी होता है तो तुरंत ही एक कूल कर देगा डिवाइस को, जो आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी तगड़ी कर देगा। और दोस्तों 5000mAh का बैटरी के साथ साथ यहाँ पे आपको 45W के फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो दोस्तों अब अदर्स फीचर के बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.67 inches का फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120Hz के रिफ्रेश रेट मिलेगा, जो गेमिंग के लिए काफी अच्छा है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 360Hz के टच सैम्पलिंग रेट भी मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको मिलने वाला 90Hz नीट पीक ब्राइटनेस, तो आउटडोर पे डिस्प्ले पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। वही बात करें कैमरा की, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 108 MP का होगा, उसके साथ साथ 2 MP का डेप्थ और 2 MP का मैक्रो कैमरा मिल जाएगा। मेन कैमरा से आप 4K 30 FPS पर वीडियो शूट कर सकते हो। और वही बात करें फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट पे आपको 32 MP का कैमरा मिल जाएगा, जहाँ पे आप 2K 30 FPS पर वीडियो शूट। बात करें रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको 8GB LPDDR4X रैम मिलेगा और 256GB का UFS 3.1 टाइप का रोम मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो होगा इसकी सभी फीचर। अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। दोस्तों ये मोबाइल जब लॉन्च हुआ था तब ये 18,000 पे मिल रहा था, पर अभी इसकी प्राइस 22,000 हो चुका है। पर कोई भी सेल आता है तो ये मोबाइल अंडर 20,000 पे आ जाता है, या फिर इस मोबाइल को आप बजट मॉल से भी खरीद सकते हो, वहाँ पे इसकी प्राइस 19,999 हमेशा रहता है। तो दोस्तों यही था टॉप 5 बेस्ट गेमिंग डिवाइस अंडर 20,000। तो वीडियो अच्छे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियो और भी देखने के लिए।